आगे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश बीजेपी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मामले पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अमिनुल खान सूरी ने इस मामले पर बयान देकर पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। ऐसे कचोरी समोसे जो आज तक पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाए, कांग्रेस पार्टी ने जिनको अनेकों बार राज्यसभा भेजा, केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, ऐसे कचोरी समोसे अगर कांग्रेस पार्टी से जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात विधायक संजय शुक्ला जी की रही हो, जिनका पूरा परिवार, जिनके पिताजी ने अनेकों बार चुनाव लड़ा, जिनके भाई ने चुनाव लड़ा, जो विधायकी के लिए जो परिवार तरसता रहा, उस परिवार को पहली बार विधायकी देने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने खादी के नीचे खाकी पहन रखी है, जो भेड़ के वेश में भेड़िए हैं। जब कोई कांग्रेस छोड़ देता है तो कांग्रेस अपनी असलियत बताती है। क्या कांग्रेस अभी भी उम्मीदवारों की जो तलाश करे उसमें बिकाऊ टिकाऊ देख रही है? क्या अपने कार्यकर्ताओं को बिकाऊ टिकाऊ मानती है? वो बिकाऊ मानती है क्या? वो भ्रष्टाचारी मानती है? हम तो कांग्रेस को शुरू से भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व तो भ्रष्टाचारी है। कार्यकर्ता उनसे आज ही जो तंग आ चुका है, और वो राष्ट्रवाद और भारत की अस्मिता, भारत के विकास और भारत के गौरव के साथ है, इसलिए वो छोड़ छोड़ के आ रहे हैं।